ये हो गई रसोई के खर्चे की पर्ची, और ये हो गई भक्तन की पर्ची। ये लाल लिपस्टिक माँ जी वो मेरी खर्चे की पर्ची होगी। देख लिए, लाल लिपस्टिक लाल लिपस्टिक लाल लिपस्टिक। ए तू इतनी लाल लिपस्टिक का करती का है? वो इकट्ठा कर रही है का कि एक दिन दिल्ली जाके लाल किले को पोतेगी? सासू माँ आप इतना क्या हिसाब चेक कर रही है, जैसे रिश्ते के लिए आई हुई किसी लड़की के 5 गुण चेक कर रही हो। ये 5 गुणों की किस्त है जो मैं हर महीने भरती हूँ। गुण तो एक ही रहता है सबका, लेकिन खर्चे 5 गुना होते हैं। नहीं मेरा मतलब है सासू माँ, मैं चेक कर लूंगी ना आराम से। आप क्यों आंखें गाड़ गाड़ के परेशान हो रही हैं? अगर नंबर बढ़ गए ना तो चश्मे का और बेकार में खर्चा हो जाएगा। वाह बेटा, तुम बहुएं मिलके घर लुटवा दो और बुढ़िया चश्मा भी ना खरीदे। नहीं नहीं सासू माँ, मेरा ये मतलब थोड़ी। चुपचाप खड़ी रहे, एक एक पाई एक एक चीज एक एक सुई का हिसाब रखती है कुप्ती। तो मैं चलती हूँ। रुक, तुम बहुओं पे छोड़ दिया ना तो सास का पलंग बेचकर मसूरी का प्रोग्राम बना लोगी का पता? नहीं नहीं सासु माँ, आपको याद है स्टोर रूम में एक पुराना संदूक पड़ा है, बहुत पुराना हो चुका है जो किसी काम का भी नहीं है। अगर वो बेच देंगे ना तो नैनीताल तक घूमने जा ही सकते हैं, क्या कहते हो? हाँ ना ना, मुझे बेच के लंदन अमरीका काहे घूमने नहीं चली जाती तुम? खर्चा मजाक की बात नहीं होती है, 9 लोग हैं घर में और कमाने वाला सिर्फ एक मेरा लल्ला, तो हिसाब तो रखना ही पड़ेगा ना। वो क्या कहते हैं, हिसाब कौड़ी का और बख्शीश लाख। आना सिक्का पाई, एक एक आना सिक्का पाई का हिसाब रखती है कुंती। और हाँ, ये 10 किलो चावल हर महीने आता है ना, तो फिर ये 2.5 किलो चावल सस्ता वाला चावल काहे मंगाया अलग से? अच्छा खुद बासमती चावल खाओगी और सास को सस्ता वाला चावल खिलाओगी? अरे बताओ, कल से भंडारे की लाइन में ही लग जाया करूंगी। नहीं माँ जी, जे वो आए, वो क्या है ना, परी का ध्यान भटकाने के लिए हम ऐसे उसको चावल साफ करने के लिए दे देते हैं। हाँ सासू माँ, वरना ना पूरा टाइम काम ही मांगती रहती है, मुझे काम दो मुझे काम दो। बैगन का भरता बना देती हूँ, लाओ बिजली का तार ठीक कर देती हूँ। बिजली का तार बताओ, कभी कभी तो आपकी साड़ी भी मांग लेती है प्रेस करने के लिए। मेरी साड़ी मत देना उसे। वही तो सासू माँ, अगर आपकी 2,500 रुपए वाली साड़ी उसे प्रेस करने के लिए दूंगी ना तो वो तो भारत का नक्शा बनाकर वापस देगी। इसीलिए सासू माँ हम क्या करते हैं, ये सस्ते वाले चावल मंगवा लेते हैं और उसमें ना जानबूझ के ऐसे ऐसे थोड़े कंकर डाल देते हैं, तो वो बैठी बैठी बिनती रहती है बेचारी। सुनो ना, चावल में ना बार बार नीले कंकर ही आ रहे हैं, जैसे किसी ने जानबूझ के डाले हो। सुनो, अगली बार दुकानदार को कहना कि अगर उसे कंकर डालने ही है तो मेरे मनपसंद केसरी या गुलाबी रंग के डाले, चुनने में मजा भी तो आएगा ना। ठीक ठीक, ये ले 5ों का अलग अलग हिसाब मैंने देख लिया है, सारा इकट्ठा जोड़कर शाम तक मुझे बता देना कि मैंने तुझे कितने दिए थे और तूने कितने खर्चे, और याद रहे। हाँ हाँ सासू माँ, हिसाब कौड़ी का बख्शीश लाख की, आना सिक्का पाई तक का हिसाब याद है। सासू माँ वो मैं क्या कह रही थी, संदूक बेचकर नैनीताल चले क्या? नहीं चल, ठीक। भगवान, 3600 रुपए की गड़बड़ी कहाँ हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ प्रतिभा बहन? पंजीरी महीने के हिसाब में 3600 रुपए की गड़बड़ है। क्या 3600 रुपए की गड़बड़ है? ओली दीदी गजब हो गया, महीने के हिसाब से 3600 रुपए की गड़बड़ी हो गई है।
शंभु, अरे क्या हुआ ये सब संतरे किसके प्यार में अपनी जान दे रहे हैं? बहुत आए बहुत चकित विश्वसनीय काल्पनिक सूचना संवाद है प्रेमा भगिनी। ऐसा यथार्थ कैसा? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है प्रेमा बहन, गजब हो गया। कह रही है दीदी गजब? हाँ प्रेमा, महीने के हिसाब में 3600 रुपए की गड़बड़ है। मैं आ गई, ये नाजुक चीज अपने मखमल से हाथों में लेके आ गई। मैं इसे गिरने दूंगी नहीं। लेकिन तुम लोग ऐसे हिसाब में 3600 रुपए की गड़बड़ी हुई है। दीदी ये क्या बड़बड़ा है? हिसाब घोड़ी का 25 लाख की। दीदी दीदी आशीर्वाद ले लो, मत आइए। ना प्रतिभा भगनी आकुलता पूर्ण रूप से निश्चित लंब श्वास अभ्यंतर उच्च श्वास निकास। ऐसा कैसा? प्रतिभा बहन आप घबराइए मत, लंबी सांस लो, फिर छोड़ो, अब सांस लो, फिर छोड़ो। ऐसा कह रही है दीदी? अरे वाह, मतलब दीदी को पूजा के साथ साथ योगा भी आती है? ये तो मम्मी जी को बता। नहीं कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी। सांस अंदर लो, सांस छोड़ो। योगा तो आज हमारा हो जाए, तो आगे पीछे ऊपर नीचे सास अंदर बाहर नहीं, सासु माँ घर के अंदर और बहुएं सारी घर से बाहर चली जाएगी। आज ही सासु माँ ने 1-1 रुपया बचाने की बात की थी और आज ही 3600 रुपए की गड़बड़ी हो गई। किस मुंह से बताएंगे सासु माँ को? क्या कहा था तूने? यही सासुमा कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी नहीं, जब तू ब्याह कर आई थी इस घर में। क्या कहा था तूने? सासुमा मैं MA PhD। अच्छे से जांचा था तूने? हाँ सासुमा, मैंने हिसाब 4 बार चेक किया है। अरे हिसाब की नहीं, मैं तेरी डिग्रियों की बात कर रही। MA PhD कहीं फर्जी तो नहीं? सासुमा ये क्या बात कर रही हैं आप? तो और क्या कहूँ? खर्चे के पैसों में से 3600 रुपए 3600 रुपए गायब है और किसी को कुछ पता नहीं है कि कहाँ गए। अब मम्मी जी, अब कोई बिना बताए चला जाए तो उसमें हम क्या करें? हम पांचों को पैसों ने जाते वक्त कुछ भी बताया नहीं। देखिए सासुमा, सबने जो अपने अपने खर्चों की लिस्ट दी थी उसके हिसाब से उनके खर्चे में कोई गड़बड़ नहीं है। जब पांचों का मिला के देखा तो खर्चे में 3600 रुपए बचने चाहिए जो कि अब नहीं बच रहे, तो यही समझ में नहीं आ रहा कि कैसे नहीं बचे। तो इसमें समझना क्या है? मतलब तो साफ है कि तुम पांचों में से ही है कोई चतुर चालाक। शिव शंभु कदापि निषेध मैया। वो तो सुनोस
मेरा मतलब आप क्या कहना चाहती हैं माँ जी? हाँ, कि चोरी हम में से किसी ने की है? ओ मोन देव, जब हिसाब तुम पांचों का, खर्चे के पैसे तुम पांचों के, तो चोरी के सरला की बहू कर गई? माँ जी, मैंने किए, मैं हूँ चोर, मैं हूँ आपकी चोर बहू। मैंने कुल किए हिसाब में से 3600 रुपए, 3600 रुपए। मुझे डांट लीजिए माँ जी, लेकिन दीदी को कुछ मत कहिए। माँ जी, वो शिवजी ने वहां से देखा कि आप दीदी पे शक कर रही है, तो उनकी तीसरी आंख खुल जाएगी। माँ जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। बोली बहू, आंख तो मेरी खुल के भी बंद थी जो देख नहीं पाई। आज ही समझाया था ना मैंने कि पाई पाई जोड़कर चलता है घर, हिसाब कौड़ी का और बख्शीश लाखों की। एक एक आना सिक्का पाई का हिसाब रखती है बहुएं, और यहाँ 3600 रुपए गायब हो गए और मैं किसी पे शक भी ना करूं। मम्मी जी, आपको गुस्सा आ रहा है? ठीक है, तो फिर योगा करते हैं। एक पैर ऊपर, दूसरा पैर भी ऊपर। मेरा मतलब है सांस अंदर बहुएं बाहर। मेरा मतलब है सांस अंदर सांस बाहर, सांस अंदर सांस बाहर। बस चुप कर। दबाओ, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में, कुंती निवास के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बहुओं के घर खर्च से 3600 रुपए गायब है। तो बताओ किसने किया है ये गबन? क्या सासुमा गबन? हाँ, और इसे गबन नहीं तो और क्या कहें? तो बोलो, कौन है इस गबन का उत्तराधिकारी? किसने की है हिसाब में चोरी, और कौन है तुम में से वो चोर भाई? सरला, कुंती। सरला, तू कब से खड़ी है? मैं तो अभी आई ना। अभी आई। तुम सास बहू अपना प्यार चालू रखो, मैं अभी जाकर आती हूँ। सरला रुक, कहाँ जा रही है? रुक जा, चीनी तो लेके जा। मुझे एक काम याद आ गया है, मैं जाती हूँ और आती हूँ। सरला रुक जा। हाँ, जिसकी बहू चोर हो वो सास सुखी कैसे हो सकती है? तो कैसे जोड़ लूँ मैं इसे अपने फोन पे सुखी सास के ग्रुप में? अगर तेरी जगह मेरी किसी बहू ने भी चोरी की होती ना, तो मैं उसके हाथ पकड़कर बस्ता बांधकर उसे मायके के लिए भेज दे। लो, सरला ने सब कुछ सुन लिया। वे फुटबॉल बाहर सबके सामने हवाएं निकाल देगी, बक देगी, सब कुछ सबको बता देगी। मेरी भी बहुओं में से एक चोर बहू है। अरे कहाँ चली गई सरला? सरला तू हंस काहे रही है? ए, तू काहे खेल खिला रही है? सरला कहा बताया तूने? कहा बताया? कुछ नहीं कुंती। मुझे तो सिर्फ एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया था, वो मैं सविता को बताने आई थी। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। का मतलब?
मतलब ये कुंती कि तू मुझे पूरे एक घंटे का भाषण देकर गई कि मेरी बहू चोर है, पर सिक्के तो तेरे भी खोटे निकले। वाह, भक्ति आना तूने, भक्ति आना। इतनी जल्दी तूने ग्रुप पे भी डाल दिया। मीनू तो पूछ रही है कि कुंती की तो 5 गुणों वाली बहुएं हैं, तो ये छठा चोरी का गुण किस में निकला? साला, सरला, मैं तुझे मुफ्त की कुल्फी फलूदा खिलाती हूँ और तू सबके सामने मेरी इज्जत का फलूदा करवाती है। पर कुंती, ग्रुप में तो सविता ने डाला था, मैंने तो इसे मना किया था। चुप कर, सविता को तो मैंने खुद ने ग्रुप से निकाला, तो फिर वो कैसे ग्रुप में डालेगी सरला? एक और मैसेज आया सुधा का है। क्या लगता है कौन होगी कुंती की 5 बहुओं में से श्रीमती 420? मतलब 420। चुप कुंती, मेरी बहू तो सिर्फ 500-600 की हेरा फेरी करती है, पर तेरी वाली तो पूरे 3600 3600 रुपए की। तूने तो मुझे बड़ी जल्दी सुखी सास ग्रुप से बाहर निकाल दिया, अब जरा अपने आप को ये अभी साबित नहीं हुआ है कि मेरी किसी भी बहू ने हेरा फेरी की है। इसलिए साथ अपनी चोच मत चला। सविता, मैं तेरी तरह नहीं हूं जो अपनी बहू को पकड़ने के बाद भी कुछ ना बोलू। कान खोल के सुन लो तुम दोनों, मैं कुंती देवी यहां खड़े होके इस सब्जी वाले को साक्षी मानकर यह ऐलान करती हूँ कि अगर सच में मेरी कोई भी बहू चोर बहू निकली तो मैं खुद उसका पस्ता बांधकर उसे घर से बाहर निकाल दूंगी। सविता, अगर तेरे योगेश की तरह मेरे लल्ले ने भी मेरी बहू का साथ दिया ना, खुद मोटरसाइकिल की चाबी पकड़ाकर उसे रास्ता दिखा दूंगी, समझी? ये मैसेज भी डाल देना ग्रुप में। सोच के देखो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। भाई तो आखिर हम 5 में से चोर है कौन? अरे मतलब सासू माँ को हिसाब में गड़बड़ी का शक हम 5 पर हो गया है। वही तो, अगर शक करना ही था तो 4 पे करती, क्योंकि दीदी पे शक किया समझो, पॉली पे किया। क्या परी बहन, दीदी पे शक करना मतलब? हाँ हाँ पंजीरी, हमें पता है तुम्हारी दीदी शिव जी पे जो दूध चढ़ाती है खुद भी उसी दूध की धुली हुई है, लेकिन ये सासू माँ को कौन समझाएगा? यथार्थ, वस्तुतः मैया द्वारा पूर्ण हृदय स्वरूपी वार्ता संवाद थी, पूर्ण दिवस निषेध। अच्छा, अगर वैष्णो देवी जाएंगे तो शक दूर हो जाएगा, लेकिन अभी इतना वक्त नहीं है ना। अरे नहीं नहीं, माँ जी ने दिन भर से किसी से ठीक से बात नहीं की, ये कह रही है दीदी। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? आप
लोगों को क्या लगता है 3600 रुपए की हेरा फेरी मैंने की है? नहीं नहीं, मैंने ऐसे कब कहा? अब तुमने भी तो दीदी को दो दो बार देखा था ना, इसका मतलब ये थोड़ा है कि दीदी ने हेरा फेरी की है, और दीदी ने हेरा फेरी की है तो समझो मैंने भी हेरा फेरी की है। हे भगवान, पता नहीं सासू माँ हमारे बारे में क्या सोच के होंगी। मैं तो आज रात को ना मम्मी जी को जाके सपने में बता दूंगी कि मैंने चोरी की है। हाँ माजी, दीदी ने भी कोई चोरी नहीं की है, और दीदी ने नहीं की है तो समझो मैंने भी नहीं की है। और सुनो, कोई मुझे कितना भी घूर के देखे, मैंने भी चोरी नहीं की है। दीदी, आप मुझे ऐसे क्या देख रही हैं? इसमें देखने वाली क्या बात है दीदी, और डराने वाली भी क्या बात है? जो सच है वो सामने आ ही जाएगा ना।